कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें जनपद न्यायाधीश सभी वादों का निस्तारण ऑनलाइन करेंगे। इसके अलावा न्यायालय में वादकारियों को समय से आना होगा और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना होगा। जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय पहुंचने वाले वादकारियों को मास्क का प्रयोग करना आवश्यक है। इसी के साथ बंदी गृह में पेशी पर आने वाले बंदियों की सुनवाई अब ऑनलाइन की जाएगी। सचिव राहुल सिंह ने बताया कि कोरोना को देखते हुए 10 अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया, हाँ जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना महामारी की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। अब गोरखपुर भी में स्थिति बहुत भयावह हो गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी दिशा निर्देश के अनुपालन में आज माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा भी इस पर विस्तृत आदेश पारित किया गया है। सबसे पहले जो माननीय जनपद न्यायाधीश का जो न्यायालय है उसको उनके आदेश के द्वारा वर्चुअल मोड से जीटसी ऐप के द्वारा ऑनलाइन संचालित करने की व्यवस्था की गई है और एक कमेटी बनाते हुए ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है कि आगे आने वाले समय में भी अन्य न्यायालयों को भी जीटसी ऐप के माध्यम से संचालित किया जाए। सर, जो वादकारी आएंगे उनको नियत तारीख होती है, भीड़ भी होता है काफ़ी, मास्क का सोशल डिस्टेंस है, उनके लिए क्या है? वादकारी जो हमारे यहाँ मुकदमे में जिनकी तारीख नियत रहती है उनसे भी आग्रह है कि वो अपने नियत तिथि पे आएँ और जो भी मुकदमे की सुनवाई उनकी हो चुकी होती है वो तुरंत न्यायालय परिसर छोड़ दें। उनसे भी आग्रह किया जाता है कि बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क तो नियमित रूप से लगाएं न्यायालय में आने के बाद भी और उसके उपरांत भी। सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, यह व्यवस्था की गई है हमारे दीवानी न्यायालय में भी कि न्यायालय बंद होने के उपरांत दूसरे दिन न्यायालय खुलने से पूर्व पूरे न्यायालय परिसर में स्वच्छता का पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ साथ पूरे न्यायालय कक्ष को उसके बाहरी परिसर को पूरे परिसर को सैनिटाइजेशन के थ्रू उसको सैनिटाइज कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार का कोई यहाँ पे महामारी का कोई फैलाव ना हो सके। सर, बंदी भी आते हैं पेशी से जेल से, उनके लिए क्या है? हाँ, जो हमारे यहाँ विचाराधीन बंदी हैं जो जेलों में निरुद्ध हैं उनके रिमांड की जो व्यवस्था है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी ताकि जहाँ तक उनकी सुनवाई की है उनकी रिमांड की है तो जेल से कैदी को अनायास यहाँ नहीं लाया जाएगा, केवल अर्जेंट मामलों में ही जिसमें पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत होती है उन्हीं मामलों को छोड़ के बाकी जो उनकी न्यायिक अन्य न्यायिक कार्य हैं और जो रिमांड संबंधित कार्य हैं वो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लोक अदालत वगैरह भी जो लगाई जा रही है, जो जेल लोक अदालत है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जा रही है। इस संबंध में मैं एक बार आपको पुनः बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते भी होंगे कि आगामी 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था लेकिन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश में इस कोरोना के प्रकोप को देखते हुए फिलहाल इस राष्ट्रीय लोक अदालत को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जो आगे की जो तिथि नियत की गई है वो 8 मई को की गई है। 8 मई को हमारे न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः समस्त वादकारियों से निवेदन करता हूँ कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों को निपटाएं और अधिक से अधिक मामले को निपटाकर इस लोक अदालत को सफल कराएं। सर, अंत में अधिवक्ता बंधुओं से और वादकारियों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ अधिवक्ता बंधुओं और अधिकारियों वादकारियों से भी मेरा निवेदन है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनसे आह्वान करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड की गंभीरता को समझें क्योंकि हम सब एक साथ मिलेंगे तभी इस कोरोना के महामारी को ख़त्म कर सकेंगे। तो चूंकि हम लोग इस न्यायालय परिसर से जुड़े हैं तो सभी लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी एक हेल्प डेस्क बनाई गई है कोटो के न्यायालय के संचालन के प्रणाली के संबंध में, या किसी प्रकार की कोई सहायता होती है, कोई आवश्यकता होती है कोविड-19 के दौरान तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तत्पर है। हमारे हेल्प डेस्क द्वारा आपको समुचित व्यवस्था की जाएगी, समुचित विधिक सहायता दी जाएगी। हमने हेल्प नंबर जारी किया है जिसका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर तरह से आपके सेवा में हमेशा तत्पर है।